व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आई एम नोवा रे। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एरिया 51 के, जिसके बारे में कि आजकल बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर एलियंस हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर अमेरिका अपने कुछ उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं, सो लेट्स गो। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना दबाना ये आपकी मर्जी है। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं वो सारे के सारे अपने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स, किसी ना किसी तरह के हथियार, किसी ना किसी तरह के वेपन्स, कोई भी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, राइट। इंडिया हो गया, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी देश हो, और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जब ये लोग करते हैं तब कभी भी दुनिया को नहीं बताते। जब वो चीज़ टोटली कंप्लीट हो जाती है, मतलब उसे टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये उसे दुनिया के सामने रखते हैं, राइट। और ऐसी चीज़ों को यहाँ पर ये लोग मतलब बनाते हैं, वहाँ पर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो जगह हमेशा सरकार उन्हें टॉप सीक्रेट रखती है, उसके बारे में वो लोग किसी को नहीं बताते। आपको इंडिया में पोखरण के बारे में पता ही होगा, जहां पर इंडिया ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था, राजस्थान में है वो जगह। वहां पर आपके आप सभी को पता होगा कि वहां पर इंडिया ने टेस्ट करने से पहले किसी को नहीं बताया था कि हम लोग वहां पर टेस्ट कर रहे हैं। हालांकि पहले उन्होंने टेस्ट किया था तब फेल हो गए थे, लेकिन दूसरी बार फिर से वहीं पर टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद जब बॉम्ब वहां पर सक्सेसफुली टेस्ट हो गया, उसके बाद लोगों को पता चला कि पोखरण में उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया है, उससे पहले किसी को नहीं पता था। तो वो जगह क्या हो गई थी, सरकार की एक टॉप सीक्रेट जगह, राइट। उसके बारे में लोगों को बाद में पता चला, लेकिन उस वक्त पता नहीं चला जब वो लोग वहां पर बॉम्ब्स को तैयार कर रहे थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब तक वो जगह टॉप सीक्रेट थी। ऐसी ही जगहें हर देश के हर सरकार को पता होती है कि हाँ भाई यहां पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो ऐसी टॉप सीक्रेट प्लेसेस आपको हर देश में देखने को मिलेंगी। और ऐसी ही एक जो सीक्रेट प्लेस है अमेरिका की, उसे लोग कहते हैं एरिया 51। अब लोगों का वहां पर यह मानना है कि भाई वहां पर एलियंस रहते हैं, वहां पर यूएफओज उतरते हैं, क्योंकि लोगों की ऐसी कुछ अफवाहें उड़ रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि वहां पर एलियंस और इंसानों को मिलाकर एक ऐसी नस्ल तैयार की जा रही है जो कि उन दोनों का मतलब आप कहते कॉम्बिनेशन हो, राइट, कॉम्बिनेशन। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि वहां पर वो लोग कोई ऐसे इंसान तैयार कर रहे हैं, सुपर ह्यूमंस, जो कि उड़ सकते हो, जिनको दर्द ना हो, यानी कि एक ऐसी आर्मी जो कि हम आम इंसानों से ज्यादा पावरफुल हो। ये लोगों की फाय है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ लोग कह रहे हैं, ये झूठ भी हो सकती है और ये सच भी हो सकती है, लेकिन इसका यहां पर कोई पक्का प्रूफ नहीं है, क्योंकि वहां पर इस चीज को कोई देख कर नहीं आया है आज तक। वहां से मतलब कोई ऐसी कुछ चीज नहीं निकली वहां से, कोई वीडियो जिसमें कि ऐसी सब चीजें देखी गई। तो ये सब लोगों की अफवाहें हैं, क्योंकि सरकार ने उसे टॉप सीक्रेट रखा हुआ है। तो लोग अपने हिसाब से कोई ना कोई बातें बनाते रहते हैं कि हाँ भाई वहां पर एलियंस हैं, वहां पर यूएफओज उतरते हैं, वहां पर रिसर्चर्स होती हैं, वहां पर वो तरह तरह के बॉम्ब टेस्ट करते हैं। सो देखिए, हो सकता है कि वहां पर अमेरिका कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हो, लेकिन एलियंस ये थोड़ा सा मानना मुश्किल है कि वहां पर एलियंस उतरते हैं। कुछ लोग इस बिहाफ के ऊपर कह रहे हैं कि वहां पर उन्होंने आसमान में कुछ उड़ता हुआ देखा है, जैसे यूएफओस हम लोग मूवीज में देखते हैं, उनका कहना है कि हमने आसमान में इन सब चीजों को उड़ते हुए देखा है। पहली बात तो यह है कि हो सकता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हो, और अगर सच बोल भी रहे हो तो यहां पर यह भी हो सकता है कि अमेरिका कोई ऐसे एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा हो जो कि मूवीज की तरह, जैसे मूवीज में देखते हैं वैसे दिखते हो। आयरन मैन के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि आयरन मैन का सूट जो है वो बहुत सारे लोगों ने उसको बनाने की कोशिश की है, कुछ लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं तो कुछ लोग फेल हो गए, लेकिन बनाने की कोशिश की है। तो अगर ये चीज अमेरिकी सरकार कर रही है तो लोग कहेंगे कि भाई वहां पर एलियंस हैं, लेकिन अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन करे तो वो लोग कहते हैं कि उसे एक्सपेरिमेंट है। हो सकता है कि वहां पर वो लोग कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का जहाज तैयार कर रहे हो, कोई एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हो जो कि जैसे फिल्मों में दिखता है वैसा दिखने वाला हो, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है। अफवाहें जो है ये लोग अपने हिसाब से उड़ा देते हैं कि वहां पर ये हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है। हमारे इंडिया में भी ऐसे ही होता है, कोई ऐसी कोई बिल्डिंग है यहां पर कोई ना जा रहा तो लोग कहते हैं कि वहां पर भूत रहते हैं, वहां पर जी आत्माएं रहती हैं, वहां पर कुछ ऐसा है, वहां पर कुछ ऐसा है, वहां से जो कोई जाता है वो लौट कर नहीं आता। मतलब ऐसी अफवाहें जो होती हैं ये हमेशा हमें हर देश की किसी ना किसी जगह के बारे में हमें सुनने को देखने को मिल जाती हैं। और ऐसी अफवाहें जो हैं वो अमेरिका के एरिया 51 के साथ भी हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर एलियंस हैं तो उन्हें आजाद कर दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर एलियंस और इंसान आपस में मिलकर काम करते हैं,
कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर एलियंस की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है। रिवर्स इंजीनियरिंग यानी कि उनकी बनाई हुई चीजों को खोलकर और वापस से जोड़ दिया जाता है ताकि वो लोग इस चीज को देख सकें कि वो उनकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो ये सब जो कुछ भी है आजकल, जो भी आप लोग इंटरनेट के ऊपर देख रहे हो, वो सारी चीजें अफवाहें हैं। उनके बारे में कोई पक्का प्रूफ नहीं है जिसमें कि वो लोग इस चीज को प्रूफ कर सके कि वाकई में अमेरिका जो है वो एलियंस के साथ मिलकर कोई डील कर रहा है, उनके साथ मिलकर कोई वेपन्स बना रहा है, या उनके साथ मिलकर कोई आर्मी बना रहा है, या फिर उनके साथ मिलकर कोई सुपर ह्यूमंस बना रहा है। हालांकि जहां तक बात रही यूएफओस की, जो लोगों ने वहां पर उड़ते हुए देखे हैं, ये भी हो सकता है कि भाई वो अमेरिका की कोई टेक्नोलॉजी हो। हर देश नई नई टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार होता है वो करता रहता है। हमारे इंडिया में भी बुलेट ट्रेन है, ठीक है। अगर हम बात करें आज से 100 साल पीछे की, तो 100 साल पहले अगर कोई इंटरनेट की बात करता कि हाँ भाई मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे कि हम लोग यहां बैठे किसी दूसरे देश के मतलब आदमी को, वहां पर हम किसी को मैसेज कर दें, तो लोग उसे क्या कहते? लोग या तो उसे पागल कह देते, या फिर लोग उसे कह देते कि इसके पास भाई कोई ना कोई आत्मा की शक्ति है, या फिर इसके पास कोई एलियन टेक्नोलॉजी है, राइट। तो ये सब जो चीजें होती हैं भाई, ये अफवाहें होती हैं। हमारा इंसानी दिमाग बहुत सारी चीजें सोचता है, उसके बाद उसके ऊपर वो लोग रिसर्च करते हैं। यहां तक बात रही भाई साइंटिस्ट की, तो वो लोग हमसे कहीं गुना आगे सोचते हैं। अमेरिका जो है बहुत ही ज्यादा वो डेवलप्ड कंट्री है, और वो हमेशा दुनिया से आगे रहना चाहते हैं। तो हो सकता है जो चीजें लोग वहां पर देख रहे हो वो उनकी कोई खुद की ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी हो, ना कि एलियंस की। सो दोस्तों, ये थे एरिया 51 के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, कुछ ऐसी अफवाहें और अपने कुछ ओपिनियंस जो कि हो सकता है कि सच हो या फिर हो सकता है कि वो झूठ हो, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो यही कहता है कि अमेरिका वहां पर अगर कुछ कर रहा है तो वो उनकी खुद की टेक्नोलॉजी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका सबसे आगे रहना चाहता है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपने व्यूज एरिया 51 के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।